Hello everyone and welcome back to our channel. In my last video I told you about the characteristics of an ethical organization. We did only 8 points. Today we will discuss further 8 points in the second part today. तो चलिए देखते हैं नाइन्थ पॉइंट क्या कह रहा है लीडरशिप एंड इफेक्टिवनेस एक ऑर्गेनाइजेशन का एथिकल होना टॉप टू डाउन अप्रोच पे डिपेंड करता है जो बिजनेस के एथिकल रोल मॉडल्स या लीडर्स होते हैं दे मस्ट बी इन अ गुड पोजीशन टू क्रिएट एथिक्स एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ कंपनीज कल्चर एथिकल पॉलिसीज का सक्सेस डिपेंड करता है लीडर्स की पर्सनैलिटी पे और उनके बिलीफ्स में अगर लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन में एथिकली बिहेव करता है और अपने सारे काम को जो है वो एथिक्स में ध्यान रखते हुए करता है देन जो हमारे इम्प्लॉयज़ है वो भी उनको फॉलो करेंगे और फिर उसी से इम्प्लॉयज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल पॉलिसीज़ हैं और प्रैक्टिस हैं वो अच्छे से समझ में आने लगेंगी नेक्स्ट पॉइंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो कंपनी लॉन्ग टर्म व्यू रखती है नॉट इन ओनली अर्निंग द प्रॉफिट्स बट ऑल्सो टू हैव अ गुड प्लेस इन दम्युनिटी एंड वर्ल्ड उन्हें ज़्यादा एथिकल माना जाता है सो so, इसके लिए क्या करना होगा बिजनेस मस्ट आस्क क्वेश्चन ओपनली एंड ट्रांसपेरेंटली अबाउट देयर ओवरऑल डायरेक्शन टू इम्प्लॉयिज़ सो दैट उनको भी फील हो दैट दे आर दी पार्ट ऑफ कंपनीज लॉन्ग टर्म विजन और अगर वो लॉन्ग टर्म में सोचेंगे दैट विल ओनली हेल्प दी बिजनेस टू ग्रो इन दी फ्यूचर नेक्स्ट पॉइंट है ऑनर गुड पीपल आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ गुड एथिक्स कंपनी उन एम्प्लॉयज़ को स्पेशल अटेंशन देती हैं हु डू गुड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दे सेक्रीफाइस अलाट फॉर दर्गेनाइजेशन सो कंपनी क्या करती है दे एक्नोलेज दोज इम्प्लॉयज़ एंड ऑनर दोज इम्प्लॉयज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिकली एंड प्राइवेटली नेक्स्ट इज कस्टमर फोकस कंपनी का डिसीजन इफेक्ट करता है उसके इम्प्लॉइज को इन्वेस्टर्स को पार्टनर्स को एंड अल्टीमेटली कस्टमर्स को इन सब लोगों को सर्व करना एक बिजनेस की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर जो लोग कह रहे हैं कंपनी वैसा नहीं करती है तो एक कंपनी लॉन्ग रन में वर्क नहीं करती है एन एथिकल कंपनी ऑलवेज फोकसज ऑन दी नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स एंड वट द मार्केट एक्सपेक्ट फ्राम देम हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है रिजल्ट ओरिएंटेड एथिकल मैनेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं द रिजल्ट दे वॉन्ट फ्राम देयर इम्प्लॉयज एंड हेल्प दैम टू अचीव दोज रिजल्ट और उनको फीडबैक भी दिया जाता है ऑन दे परफॉर्मेंस ताकि अगर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो वो कर सकें एंड दे हैव टू वर्क कीपिंग इन माइंड द वैल्यूज़ उनको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट बनाना है एंड फिर उस प्रोडक्ट को फेयर प्राइस पे ही सेल करना है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है एथिकली बिहेव कर रही है नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क टेकिंग कंपनी वही ग्रो करती है दैट एक्चुअली इज़ रेडी टू टेक रिस्क मीन्स दे ट्राई न्यू थिंग्स एंड वो वही इम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं और जब उनका रिस्क पे ऑफ करता है तो वो क्या करते हैं एम्प्लॉयर्स और दी ऑनर्स ऑफ दी कंपनी शेयर करते हैं उस रिवॉर्ड ऑफ़ प्रॉफिट को with the employees who actually contributed into it our second last point is passion ethical organization mein passionate log hote hain ye wo log hain jo company ke liye whole heartedly kaam karte hain na ki sirf yahan pe paisa kamane ke liye aate hain they help in the growth of the organization वो ऑर्गेनाइजेशनल goals को mission को visions को first preference देते हैं ना कि अपने personal goals को द लास्ट पॉइंट अंडर दिस टॉपिक इज परसिस्टेंस एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में लोग रिजल्ट ना मिलने पर भी अपना काम कंटिन्यू रखते हैं एंड उसके बाद भी दे कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग रिस्क दे वर्क विद ऑनर एंड इंटिग्रिटी दे ऑल्सो फोकस ऑन द कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स एंड वो तब तक काम करते हैं जब तक सोसाइटी को वो फाइनली प्रोडक्ट नहीं मिल जाता जो सोसाइटी को या कस्टमर्स को चाहिए और वो तब तक भी काम करते हैं जब तक वो गोल्स अचीव नहीं कर लेते जो एक ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक्सपेक्ट कर रही है सो so, ये थे हमारे टोटल सिक्सटीन करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन आई होप ये आपको समझ में आए होंगे जो हमारा पार्ट वन है मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है आप वहाँ से इसके फर्स्ट एड पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड थैंक यू